भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कोई काम नहीं है, कुछ भी बयानबाजी करते हैं। कांग्रेसी नेता समझते हैं कि मोदी जी से चाइना की दुश्मनी है, जबकि चाइना की दुश्मनी देश से न कि किसी व्यक्ति विशेष से। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मैंने तो संभावना व्यक्त की है, चुनाव में संभावना है। राजेश अग्रवाल जी बीजेपी में ज्वाइन हो गए सर? हाँ हो गए, राजेश बीजेपी के बाहर करते हैं। नहीं, पिछले चुनाव में निष्कासित किए गए थे 6 वर्ष के लिए। अच्छा, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं सर, उसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती दिख रही है। कांग्रेस के पास अभी कुछ काम नहीं, उनके नेता इतनी फुर्सत में है कि कुछ भी बात करते हैं, इसलिए कांग्रेस की बात को देश की जनता सीरियस नहीं ले रही। जैसे मैं उदाहरण दूं कि राहुल जी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे चाइना का झगड़ा मोदी से, चाइना का झगड़ा मोदी से नहीं है, इस देश से, भारत से। वो प्रश्न करते हैं मोदी जी से, लगता है कि या तो शरारत पूर्ण है या उनमें अकल नहीं है। और इस प्रकार के प्रश्न पूछना ये नासमझी है, और देशी जनता ऐसे प्रश्न पूछने वाला कोई माफ नहीं। चुनाव में क्या स्थिति बनेगी सर? अरे बहुत बड़ी हेडलाइन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।